हेलो प्रोग्रामिंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिक डिजीज। मेडिसिन का चैप्टर है मेटाबॉलिक डिजीज। मेटाबॉलिक डिजीज में क्या होता है, इसमें है मेटाबॉलिक डिजीज वो होती है जो पशुओं के बॉडी में किसी मिनरल्स, विटामिन, कैल्शियम, फॉस्फोरस आदि की जब कमी आ जाती है ना, तो उन कमी के कारण होने वाले बीमारियों को मेटाबॉलिक डिजीज अपन कहेंगे। ठीक है, मेटाबॉलिक डिजीज। मेडिसिन पढ़ रहे हैं आदि की जब बॉडी में कमी आ जाएगी तो इन कमी की जब इन मिनरल्स या विटामिन या फॉस्फोरस या आयरन की जब बॉडी में कमी आ जाएगी तो इनकी कमी से होने वाली जो बीमारियां होती हैं उनको हम मेटाबॉलिक डिजीज कहते हैं। ठीक, मेटाबॉलिक डिजीज में अपन फर्स्ट देखेंगे मिल्क फीवर। फर्स्ट कौन सा देखेंगे, मिल्क फीवर। मिल्क फीवर में क्या होता है, फर्स्ट देखेंगे अपन डिजीज मिल्क फीवर। मिल्क फीवर में क्या होता है, इसमें पशु पास्टुराइजेशन के बाद खड़ा नहीं हो पाता। ठीक, इसमें पशु पास्टुराइजेशन के बाद आफ्टर पास्टुराइजेशन और स्ट्रेंथनिंग, यानी जाने के बाद पशु खड़ा नहीं हो पाता। जाने के बाद जब पशु खड़ा नहीं होगा तो उस कंडीशन को अपन मिल्क फीवर कहेंगे। खड़ा क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके बॉडी में कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन एंड विटामिन्स की डेफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है, इन सारी चीजों की डेफिशिएंसी आ जाएगी, डेफिशिएंसी आ जाएगी। डेफिशिएंसी आने के बाद पशु खड़ा नहीं हो पाएगा, इसलिए उस कंडीशन को अपन कहेंगे मिल्क फीवर। ठीक है, इसकी इटियोलॉजी हम देख लेते हैं किस कारण से मिल्क फीवर होता है। इटियोलॉजी, इसमें भी कारण होते हैं इटियोलॉजी में भी। ठीक है, इटियोलॉजी में कारण क्या होता है, इसमें एक कारण तो ये होता है इसका, जो पशु के शरीर में जो पैराथायरॉइड ग्रंथियां होती है वो पैराथार्मोन हार्मोन स्रावित करती हैं। ठीक है, पैराथायरॉइड ग्रंथियां होती हैं पशु के शरीर में, शरीर में
पैरा थायरॉइड हार्मोन का सीक्रेशन पशु के शरीर में गर्दन के पास दो पैरा थायरॉइड ग्रंथियां होती हैं जो शरीर में पैरा थायरॉइड हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं तथा बोन कैल्शियम को ब्लड कैल्शियम में चेंज करती हैं। इनका काम क्या है? इनका हार्मोन का ये बोन कैल्शियम को ब्लड कैल्शियम में चेंज करती है। ये जो पैरा थायरॉइड सीक्रेशन का हार्मोन होता है ये बोन कैल्शियम को जो बोन कैल्शियम होता है उसको ब्लड कैल्शियम में चेंज करती है जिससे क्या होगा खून में कैल्शियम का लेवल बना रहता है। जिससे क्या होगा ब्लड में कैल्शियम का लेवल बना रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? अगर किसी कारणवश किसी कारणों से इस सीक्रेशन में हार्मोन सीक्रेशन में किसी कारण से हार्मोन सीक्रेशन में व्यवधान आने पर जब हार्मोन सीक्रेशन में व्यवधान आ जाएगा तो क्या होगा? ब्लड में कैल्शियम की कमी आ जाएगी। आने पर क्या होगा? ब्लड में कैल्शियम की कमी आ जाएगी। ठीक है, अगर किसी कारणवश इस हार्मोन के सीक्रेशन में कोई व्यवधान आ गया, कोई कमी आ गई तो क्या होगा? जो ब्लड में कैल्शियम की कमी आ जाएगी, ब्लड में कैल्शियम की जब कमी आ जाएगी तो फिर बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। तो फिर क्या होगा? बॉडी में कैल्शियम की कमी आ जाएगी। ठीक है, एक बार देख लो इसको, दोबारा बताते हैं। इटियोलॉजी में क्या होता है? सबसे पहले इसके शरीर पशु के शरीर में गर्दन के पास दो पैरा थायरॉइड ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, दो पैरा थायरॉइड ग्रंथियां जो पैरा थायरॉइड हार्मोन को सीक्रेशन करती हैं। हार्मोन के सीक्रेशन के बाद ये ब्लड कैल्शियम को बोन कैल्शियम को ब्लड कैल्शियम में चेंज कर देता है ये वाला हार्मोन। ठीक, जब ब्लड कैल्शियम बोन कैल्शियम में चेंज हो गया तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बना रहेगा।
जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल बना रहेगा तो कितना सोना कितना सोना रब ने बनाया।